समझता हूँ कि ये सदन बढ़िया चलेगा और ये सरकार भी बढ़िया चलेगी और बिहार की जनता की जो अपेक्षाएं हैं वो सारी अपेक्षाओं की पूर्ति कि पंच के मंच पर बैठा व्यक्ति न किसी का दोस्त होता है न किसी का दुश्मन होता है। कि मुखिया मुखसो चाहिए खान पान में एक, पालत पोषत सकल जग तुलसी सहित विवेक। माननीय सदस्य पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी से चाहूंगा कि वो अपना उद्गार व्यक्त करें। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपको इस अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से जो चुनाव हुआ उसके लिए हम अपने दिल के गहराइयों से शुभकामना देते हैं और बधाई देते हैं। दूसरी ओर ये सर्वसम्मत चुनाव हुआ इसमें अहम भूमिका माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, उप मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी प्रसाद जी का लगा दिए और मैं कह सकता हूं कि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार जी का भी इसमें योगदान रहा है, इसलिए इन तीनों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और शुभकामना देते हैं। मुझे बहुत बात कहने की नहीं है, आप जानते हैं 1980 से हम विधायक रहे हैं, आप भी लगभग उसी समय से रहे हैं, पुराने मित्रों में से हैं, आपके कार्यकाल को हम लोगों ने देखा है। हम सिर्फ दो पंक्ति कह करके इस आसन की गरिमा के बारे में और आपके कर्तव्य के बारे में बताना चाहते हैं। एक तो है, आप सब हम जानते हैं, प्रेमचंद जी को पढ़ते हैं, प्रेमचंद जी ने कहा था कि पंच के मंच पर बैठा व्यक्ति न किसी का दोस्त होता है न किसी का दुश्मन होता है, इसलिए वो करना चाहिए। और एक पंक्ति और आई है जो रामायण से बात आती है, रामायण में कहा गया है कि मुखिया मुखसो चाहिए खान पान में एक, पालत पोषत सकल जग तुलसी सहित विवेक। आप इस अवधारणा से अगर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये सदन बढ़िया चलेगा और ये सरकार भी बढ़िया चलेगी और बिहार की जनता की जो अपेक्षाएं हैं वो सारी अपेक्षाओं की पूर्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।